आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। जनपद संभल में 8 ब्लॉक प्रमुख सीट में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा कर लिया है और 3 पर समाजवादी पार्टी ने वह एक बार फिर एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, जिसमें से संभल के पवांसा ब्लॉक में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली ब्लॉक प्रमुख प्रेम कुमारी ने 110 वोटों से जीत हासिल की है। देखिए जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार की खास रिपोर्ट। पवांसा ब्लॉक में आपकी पत्नी चुनाव जीती है, कितने सबसे ज्यादा वोटों जीती है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अब तक की जो मतलब ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में जो जीत है वो हमारी सबसे बड़ी जीत है, जो कि भाजपा की जीत है। हमारी पत्नी को 113 मत मिले, जिसमें 3 वोट हमारे निरस्त हो गए और 110 हमारे मत प्राप्त किए, और जो कि समाजवादी के कैंडिडेट को 17 वोट मिले और हमारे उससे 93 वोटों से हम एक्स्ट्रा फालतू जीते हैं, जिसका श्रेय हमारे मार्गदर्शक बड़े भाई हमारे कपिल सिंगल जी को जाता है, जो कि उन्होंने हमें पद चिन्ह बताया, उन्हीं पर हम चले और ये हमारी जीत भाजपा की सबसे बड़ी जीत है। क्या विकास कार्य कराएंगे आप? अब हमारे जो गांव देहात में जो गांव हैं जो सड़क से जुड़ने से रह गए उन्हें हम जुड़ने का कार्य करेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक कार्यक्रम चल रहा है स्वच्छता अभियान, उसके तहत प्रति गांव को सैनिटाइज और स्वच्छता के लिए सफाई कर्मियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि गांव-गांव में सफाई का कार्य किया जाए। जनता के बीच में आप जाएंगे? हाँ जी, जनता के बीच में जाके होंगे ये काम जी। पवांसा ब्लॉक में सबसे ज़्यादा वोटों से जीती है सीट, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पवांसा ब्लॉक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े बहुमत से 93 वोटों से जीती है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मात्र 17 मत मिले हैं और इसके लिए प्रदेश व क्षेत्र और जिला नेतृत्व और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का और अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। आपका जो 4 ब्लॉकों में कब्जा रहा है और 4 का अनकर रहेगा, इसका कारण क्या रहेगा? देखिए, जब प्रत्याशी खड़े होते हैं जीत हार का तो प्रश्न लगा ही रहता है, लेकिन 825 में हमारी सरकार ने 735 ब्लॉक प्रमुख पूरे प्रदेश में जीते हैं, उसके लिए मैं माननीय मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद देता हूँ, जो उनकी नीतियों पर, उनके क्रियाकलापों पर, जो जन जन पर उनके विकास का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, इसलिए हमारी जो ब्लॉक प्रमुख ग्राम पंचायत प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य है और जिला पंचायत हमारे 67 प्रत्याशी हमारे पूरे प्रदेश में जीते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, 735 हमारे ब्लॉक प्रमुख बने हैं, मैं इसके लिए प्रदेश नेतृत्व, क्षेत्र नेतृत्व, जिला नेतृत्व सबको पुनः आभार प्रकट करता हूँ।